देखिए कलेक्टर साहब, और रणधीर सिंह जी कहलवाए हैं कि ये तो बस पेशगी मात्र है, अगर कहें तो अगले महीने और भिजवा दें। क्या नाम बताया आपने? जी रणधीर सिंह जी। नहीं अपना? जी हमारा नाम फूलचंद जी। फूलचंद जी? जी फूलचंद जी, कल आपके रणधीर सिंह जी क्या कर रहे हैं? फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। कहिए तो कल डिनर रखवा देते हैं उनके फार्म हाउस पर, भाभी जी को लेते आइए। बस डिनर? अरे आपको से कहा सरमाना, अभी हुकुम कीजिए, जो चाहिए दे देंगे। अच्छा जो कहिए। हाँ जी, लेकिन कल भी मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कहे? क्योंकि कल जहाँ आपके रणधीर सिंह जी अपना डिनर करेंगे ना, वहाँ भाभी जी तो दूर, मेरा आना भी जरा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कल आपके रणधीर सिंह जी अपना डिनर करेंगे जेल के लॉकअप में। अब आप यहाँ से खुद जाएंगे या मैं आपको बाहर तक छोड़ने चलूँ? देखिए बाबू साहब, हाँ अपने रणधीर सिंह जी से कहिएगा उनकी इस हरकत के लिए मैंने अगर उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं पहनवा दी तो मैं भी गजरौला का डिप्टी कलेक्टर नहीं। अच्छा जय बात, तो एठो बात आप भी हमारा सुन लीजिए, अगर रणधीर सिंह जी भी आपको आपका असली औकात न दिखा दिए ना, तो वो भी गजरौला में अब तक के सबसे बड़े लकड़ी के ठेकेदार हैं। धमकी दे रहे हो? आपको और आपके रणधीर सिंह जी को धमकी? बहुत बहुत। खड़े हो, भारी पड़ेगी, निकलो यहां। देख रहे, बता दे हम तुमको। कन्या वो चाय रहने देना, हमारे मेहमान थोड़ा जल्दी में थे। सुकन्या, कन्या। अरे माँ, आपने सुकन्या को देखा है क्या कहीं? अरे गई होगी कहीं, आज तक मुझे कभी बताया उसने? बहुत सर पे चढ़ा के रखा है तूने उसे, देखना एक दिन बहुत पछताएगा तू। आप आराम करो, वो यहीं कहीं चली गई होगी। क्या बताए रणधीर सिंह जी, सरासर अपमान हुआ है हमारा, नोटों से भरा हुआ बैग मुंह पर देकर मारा है हमारे, और धक्का देकर निकाला है घर से बाहर। दो कौड़ी का सरकारी नौकर, हम कह रहे हैं आपको वो जंगल का टेंडर भूल जाइए आप, नहीं मिलने वाला आपको इस साल। और हेलो हेलो, काट दिए, कुछ हो कसूर ना है फिर भी हमें दिसे बस। खराब है आज वो कलेक्टर, ये पत्थर क्या क्या और दिखाओगे भगवान। अरे कौन है? अरे क्या खुफिया पंती कर रहे हो? अरे कौन है कोई बताएगा? अरे सामने आओ ना, कौन है? अरे कौन है? Thank you.
राजेश गोयल, डिप्यूटी कलेक्टर गजरौला। ये यहाँ कैसे आना? राजवे साहब, 2 महीने पहले मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी। जब से मैं वहाँ गया हूँ तब से वहाँ के भ्रष्टाचार से ठीक तरह से लड़ भी नहीं पा रहा था कि मेरी बीवी सुकन्या, ये गजरौला के सबसे बड़े ठेकेदार रणधीर सिंह के आदमी फूलचंद की हत्या का आरोप लग गया उस पर। यहाँ से तो जान पड़ता है कि आपकी पत्नी एक गृहिणी है। हत्या का आरोप, हत्या कैसे की गई है? हथियार क्या था? मिस्टर केडी, ना ही कोई हथियार था और ना ही कोई औजार। हत्या की वजह नाखूनों के बार बता रहे हैं। नाखून? अरे नाखून से कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है? पुलिस का मानना यह है कि सुगन्या के नाखूनों में जहर था और जब वो फूलचंद के खून में मिले तो फूलचंद की मृत्यु हो गई, ऐसा पुलिस बता रही है। नाखूनों में जहर कैसे हो सकता है? आम नाखूनों में जहर नहीं होता। पर क्या शांत क्यों हो गया? बोलिए मिस्टर केडी, कभी आपने विष कन्याओं के बारे में सुना है या कहीं पढ़ा है? विष कन्याओं के बारे में एक बहुत पुरातन कहानी है। कहा जाता है कि मौर्य राज्य में कन्याओं को बाल अवस्था से ही विष पिलाकर बड़ा किया जाता था ताकि वो छू कर ही शत्रु की हत्या कर सके। You mean female assassin? हाँ, ऐसा कह सकता है तू। राजा लोग अपने दरबार में उन्हें रखते हैं और वो महिलाएं अपनी सुंदरता से शत्रु को मंत्रमुग्ध करके उनकी हत्या करती हैं। पर सर, ये मुद्दा आज के जमाने में फिर से क्यों उठ रहा है? एक IAS ऑफिसर की पत्नी को विषकन्या कहना कबाड़पन ही नहीं बेवकूफी है। सुकन्या नाम तो बहुत साधारण सा है। इस साधारण नाम और कहानी के पीछे वास्तविकता क्या है ये तो गजरौला पहुंच कर ही पता चले। मेरा नाम केडी पाठक है, आपका वकील हूं मैं। केडी साहब, आप मुझे यहाँ से बचा तो लेंगे ना? ये सब लोग मुझ पर बहुत अजीब सा इल्जाम लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं एक विषकन्या हूँ। विषकन्या? इसकी चिंता आप मत करिए, अदालत इन बातों में नहीं मानता। विशेष रूप से जब इन बातों का कोई आधार ना हो, कोई सबूत ना हो। ये बताइए कि हत्या की रात आप कहाँ गई थी? आपके पति का कहना है आप घर पर नहीं थी। जी, वो हमारे घर के पीछे जो जंगल का रास्ता है, मैं वहीं गई थी तुलसी के पत्ते लाने के लिए। तुलसी के पत्ते? इतनी रात गए? हाँ, वो पूजा बहुत सुबह सुबह होती है ना, तो उसी के लिए मुझे पत्ते चाहिए थे। काफी समय लग गया आपको पत्ते इकट्ठा करने में, आधे घंटे से ज्यादा? हम इस इलाके में नए हैं ना, इसलिए मैं जंगल से रास्ता भटक कर कहीं और ही निकल गई और फिर वापसी का रास्ता पूछते पूछते मुझे देर हो गई। नहीं, आपको तो मुझ पे शक नहीं है ना? मैं सिर्फ सत्य जानने आया था आपसे, बाकी आप देखते हैं अदालत में क्या होता है। दो महीने की शादी और फिर ये बर्बादी, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। विषकन्या। विषकन्या।
तोगलदार साहब, यही वो जगह है जहाँ फूलचंद की लाश मिली। अभी कुछ सुना तुमने? खनकनी की आवाज। सुपर ग्लू। प्रिया थिएटर? यहाँ प्रिया थिएटर है क्या? जिस दिन फूलचंद की मौत हुई उसी शाम का टिकट है, कोई ये फिल्म देखकर यहाँ से गुजरा था। प्रिया थिएटर पास में ही है क्या? हवलदार साहब बोलते बहुत हैं। गजरावला में पाठक सर और आपका स्वागत है वरुण जी। मैं रणधीर सिंह, यहाँ का छोटा मोटा एक ठेकेदार हूँ। ओ, तो फूलचंद जिनकी मौत हुई? दुर्भाग्य से वो मेरा ही मैनेजर था, बेमौत मारा गया बेचारा उस विश्वकन्या के चक्कर में। ये विश्वकन्या वाली बात समझ में नहीं आई। कल जब अदालत में प्रोसिक्यूशन की दलीलें होंगी तब समझ लीजिएगा। फिलहाल तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो लड़की तो केवल हथियार है, असली हथियार तो उसका पति है जिसने मेरे आदमी के पीछे भेजा था अपनी पत्नी को उसे मारने के लिए, आपका वो डिप्टी कलेक्टर अमरीश गोयल। देखने में बहुत सीधा साधा है वो, पर असल में वो टेढ़ा आदमी है। मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप उससे बच के रहिएगा। अभी चलता हूँ। और हाँ, जाते जाते एक मशवरा और देना चाहूंगा, वापस लौट जाइए मुंबई, वरना उस पति पत्नी के लपेटे में आ जाएंगे आप लोग भी। जिस दिन तू सुकन्या को ब्याह कर इस घर में लाया था, मैं उसी दिन समझ गई थी कि इस लड़की के कदम बहुत मनहूस हैं। अरे कितना कहा था कि उर्वशी से शादी कर ले, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। ये जानते हुए भी कि उसका अतीत कितना बुरा है, फिर भी तू बहू को ना कर ले आया। माँ, आप समझती क्यों नहीं हो, सुकन्या अपने अतीत को पूरी तरह भुला चुकी थी, वो पूरी तरह बदल चुकी थी। अरे वो अतीत को भुला चुकी होती तो ये सब क्या है? लोग उसे विश्वकन्या क्यों कहते हैं? विश्वकन्या का मतलब समझता है क्या है? जीती जागती जहर की दुकान। माँ 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 माँ, अब उसे ताने वाना देना बंद करो। मैं जानता हूँ कि सुकन्या पूरी तरह निर्दोष है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके। माँ, अब ये वैधाई मेरे मतलब ये सुकन्या के बारे में इस तरह की बातें बातें करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि सुकन्या ने तुझ पर जादू किया हुआ है, तभी तू किसी की नहीं सुनता। देखना, एक दिन जरूर पछताएगा। रुको! क्यों? ये क्या कर रही हो? ये खांसी की दवा पी रही हूँ। माँ, ये खांसी की दवा नहीं है, ये जहर है। माँ, जहर यहाँ कैसे आया? सुकन्या, प्रकाश, तुम सुकन्या, ये सब क्या हो गया? तुमने ये सब? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूं ना,
मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? अरे मिस्टर केजी पाठक, मैं सर श्री चरण शुक्ला। नमस्कार शुक्ला जी, आपको तो बहुत बुरी खांसी, कुछ लेते क्यों नहीं? ये तो मामूली है, लेकिन ये केस मामूली नहीं है। अरे दूर रहो उससे, गलती से छू लिया ना तो यहीं खड़े खड़े मर जाओगी। सुना नहीं पुलिस कन्या है ये? माय लॉर्ड, मैं सॉरी। आई एम सॉरी, कमबख्त खांसी। माय लॉर्ड, हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। 3 दिसंबर की रात 10:30 बजे कृपालाल फूलचंद जी अपनी गाड़ी में गजराला गांव के जंगलों से गुजर रहे हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक पत्थर आ गया और वो जैसे ही उस पत्थर को हटाने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो ये औरत सुकन्या गोयल उन पर टूट पड़ी और उनके हाथ पर अपने नाखूनों से खरोंच मार दी। ये देख, उसके 10 सेकंड बाद ही मिस्टर फूलचंद गिर कर ढेर हो गए और मौत का कारण उनके शरीर में भारी मात्रा में जहर का पाया जाता, और जहर भी कौन सा? डेंड्रोटॉक्सिन, जो अक्सर बिच्छू और सांप में पाया जाता है। ये और ये जहर मिस्टर फूलचंद के शरीर में प्रवेश हुआ इन्हीं खरोंचों की वजह से। वो देखिए जहां वो नीले नीले निशान हैं, इससे ये जाहिर होता है कि इनके नाखूनों में जहर था, और ये बात साबित करती है ये डीएनए रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि मिस्टर फूलचंद के हाथों में जो खरोंच थी वो इन्हीं के नाखूनों की दी हुई है। इनके नाखूनों में जहर था 100%। होगा जहर इसके नाखून में, ये विष का निया है, इसे नहीं मारा होगा। ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए। योर ऑनर, नाखून से खरोंच, खरोंच में विष और विष के कारण मृत्यु, ये बात मुझे जरा बेतुकी लगी। इस बात की स्पष्टीकरण करने के लिए, इसे स्वयं परखने के लिए मैं अदालत की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद योर। सुकन्या जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ पर खरोंच दें। मिस्टर पाठक, क्या कर रहे हो ये? मिस्टर पाठक, आप समझ रहे हैं ना आप क्या करने वाले? पूरी तरह से समझ रहा हूँ शुक्ला जी, और प्रतिपक्ष हूँ, इतना तो विश्वास मुझे अपने मुवक्किल पर होगा ही। योर ऑनर, आप चिंता न करें, चिंता मत करिए, ये करना आवश्यक है, खरोंच दीजिए। बीतते हुए समय पर ध्यान देंगे शुक्ला जी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, अपने आप पर कोई विष का, वो क्या कहा था आपने, डेंड्रोटॉक्सिन ऐसे कोई पदार्थ का असर होता हुआ महसूस नहीं कर पा रहा हूं मैं, बस हल्की सी जलन है हाथों में और कुछ नहीं। वो इसलिए क्योंकि इसने अपने नाखून अभी जहर में डुबोए नहीं है। तब डुबोए थे? 100%। देखा था आपने? ये विष का नहीं है,
इच्छा के अनुसार अपना जहर उगलती है, इसलिए अदालत में अपना असली रूप नहीं दिखा रही है। ऑर्डर ऑर्डर, अगर कोई और अदालत में बीच में बोला तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। योर ऑनर, मैं इस विषैले विषय की ओर नहीं जाना चाह रहा था, परंतु यहाँ अदालत में हर कोई विष कन्या कहकर इन्हें बुला रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ अदालत से कि आप यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को सावधान करें कि ऐसे अंधविश्वास में मानना न केवल हानिकारक है बल्कि संविधान के विरुद्ध भी। पाठक जी, असल में क्या है कि अंधविश्वास में भी विश्वास जुड़ा होता है, और इन लोगों का इस औरत को विष कन्या मानने में विश्वास करना इसके अतीत से जुड़ा है। अतीत से आपका अर्थ? एक लंबी कहानी है, और इसे वही सुना सकता है जिसने इसे करीब से देखा हो। इसीलिए मैं इनके मामा जी को बुलाना चाहता हूँ, श्री बटुकनाथ जी। सुकन्या 6 साल की रही होगी जब इसके माता पिता एक दुर्घटना के शिकार हो गए। तब से मैंने ही इसे पाल पोस के बड़ा किया है, यहाँ से 20 कोस दूर चिरोला गाँव में। चिरोला जो सांप और बिच्छू के लिए मशहूर है? हाँ हाँ साहब, घना जंगल है वहाँ, आए दिन सांप और बिच्छू के काटने के किस्से। फिर हम सभी गांव वालों ने सांप और बिच्छू के जहर से एक घूंटी बनाई जो अपने बच्चों को दिया करते थे, ताकि उन पे किसी भी सांप और बिच्छू का काटने का कोई असर ना हो। हमने बचपन से ही सुकन्या को घूंटी पिलाई, और फिर साहब वही जहर जो दवा के रूप में सुकन्या को दिया जा रहा था, धीरे धीरे उसका शरीर उस जहर का आदि बन गया। और जैसे ही वो बड़ी हुई, उस जहर का असर खत्म होता चला गया। मुझे याद है एक दिन जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो सांप। सुकन्या जल्दी चल डॉक्टर के पास। नहीं रहने दे, ठीक हो जाएगा। पर सांप ने काटा है। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, इस जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होता, ठीक हो जाएगा, चल। फिर सांप 2 दिन में उसका घाव भर गया। फिर आज तक सुकन्या को कोई भी जहर का असर कभी नहीं हुआ था। माय लॉर्ड, इस बात को साबित करने के लिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि एक बिच्छू मंगवाया जाए जो इन्हें डंक मारेगा। शुक्ला जी, मुझे लगता है कि आप पर भी किसी प्रकार के विष का प्रभाव पड़ रहा है। विचित्र बातें क्यों कर रहे हैं? तो पाठक जी, फिर इस बात को कैसे साबित करेंगे कि इन पर विष का कोई असर नहीं होता? नहीं, लेकिन इसे साबित करने की आवश्यकता क्या है? शुक्ला जी, योर ऑनर, सुकन्या जी की ये अवस्था कोई नई बात नहीं है। विज्ञान में इसे मित्रिदतिज्म कहते हैं, जहाँ व्यक्ति नियमित रूप से नियमित समय पर नियमित मात्रा में विष का स्वयं सेवन करता है, ताकि बाहरी विष का उसके शरीर पर प्रभाव न पड़े। जू और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में शुक्ला जी, अक्सर वहाँ के कर्मचारी इस विधि का प्रयोग करते हैं। मिस्टर शुक्ला, आप हमें उस बिच्छू को दोनों को बख्श दें, मैं ये सब कुछ अदालत में नहीं होने दूंगा। पटुकनाथ जी, आप मुझे कृपया बताइए कि सुकन्या जी की के अतीत की इस अवस्था का फूलचंद जी के हत्या से उनकी मृत्यु से संबंध क्या है? आप समझ नहीं रहे साहब कि सालों साल इसके शरीर में जहर जाने से इसकी सोच भी जहरीली हो गई, और फिर ये गलत लोगों के संगत में रहने लगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुकन्या? अरे तू दलवी भाई के साथ काम करती है, पता है तुझे कितना बड़ा गुंडा है वो? ओहो मामा जी, आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। मैं उनके यहाँ सब हिसाब किताब ही तो देखती हूँ, और इसके लिए मुझे पैसे भी तो अच्छे मिल जाते हैं, और फिर उनके वहाँ काम करने से मुझे कोई परेशान भी नहीं करता। पागल हो गई है तू, तुझे पता है कि वो पैसे के लिए दूसरे की जान भी लेता है, और तू उसके साथ काम करेगी? मामा जी आप भी ना। 2 सालों तक सुकन्या दलवी के गिरोह के संगत में रही, और उसके इशारे पे चलने लगी। दलवी के पकड़े जाने पर जो सुकन्या पर केस चला, उस पर कुछ साबित नहीं हो सका। और उन 2 सालों तक दलवी भाई ने कई लोगों को मरवाया। दिलचस्प, अति दिलचस्प। पाठक जी, आज से 1000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में उनके दरबार में इसी तरह की विष कन्या पाली जाती थी, ताकि राजा के एक इशारे पर वो अपने विष से उनके दुश्मनों को बड़ी चालाकी से मार सके।
और अब 2012 में गजरावला के तलकी भाई उनका दरबार, ये लड़की उनके यहाँ उसी तरह से पल रही थी। वो राजा है, उनके एक इशारे पे किसी को मार सकती है। युग नया है पर तरीका वही पुराना, दुश्मन की मौत। ये क्या कह रहे हैं आप? सुकन्या ऐसी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, मैं सख्त हिदायत देता हूँ कि आप। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है जज साहब। मैं और सुकन्या बचपन के दोस्त हैं, हम साथ पढ़े, साथ बड़े हुए, और मामा जी ने सुकन्या के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब एकदम सच है। सुकन्या पर विष का प्रभाव नहीं होता है, और ये किसी गलत संगत में पड़ गई थी। लेकिन फिर जज साहब, इसकी जिंदगी में अमरीश आया, और अमरीश के प्यार ने सुकन्या की जिंदगी बदल दी। जी जज साहब, प्रकाश बिल्कुल सही कह रहा है। अमरीश से मिलने के बाद मैंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया था और खुद को पूरी तरह बदल लिया, और फिर उसके बाद मैंने इनसे शादी कर ली। आप पूछ सकते हैं मेरे पति से, क्या शादी के बाद मैंने इन्हें शिकायत का कभी भी कोई भी मौका दिया हो? जज साहब, मैं अपनी बीवी सुकन्या का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरी बीवी सुकन्या पर पूरा भरोसा है। वो किसी का खून वून नहीं कर सकती। ये लव स्टोरी नहीं है, ये मर्डर स्टोरी है। वैसे इस मर्डर का कारण शायद लव ही है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने एक ऐसे आदमी को मारा है जिससे तुम्हें धमकी दी थी, और इनके नाखूनों के निशान उसके शरीर पर। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, आपके नाखून इस समय कहाँ है? मेरे हाथों में। आपके हाथों में तो सुकन्या जी के नाखून भी उन्हीं के हाथों में होंगे। हाँ। जहाँ रहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुकन्या जी कहीं हो और उनके नाखून कहीं और। मतलब? नहीं, मतलब ये कि जब फूलचंद जी की मृत्यु हुई उस समय सुकन्या जी वहाँ थी ही नहीं। शुक्ला जी, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर गजरौला बाग रोड पर ये थी, लापता हो गई थी, घर से घर जाने का पता पूछ रही थी। 2 व्यक्तियों से इन्होंने पूछा था। सर्वप्रथम योर ऑनर मानिकराम, जिनकी गजरौला बाग रोड पर पीसीओ की दुकान है, सुकन्या जी स्वयं वहां जाकर उनसे पता पूछ रहे। 3 दिसंबर की रात 10:30 बजे सुकन्या जी को हमने गजरौला बाग रोड पर देखा था। हमारी पीसीओ की दुकान पर आई थी और वहां से अपने घर का पता पूछ रही थी। उसके बाद योर ऑनर कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद इन्होंने एक रिक्शा वाले बबलू पांडे से अपने घर का पता पूछा। हाँ साहब, चौराहे पे मिली थी ये उस रात हमें, तब हम अपने ऑटो में सो रहे थे। भाई साहब, ये फुले रोड कितनी दूर है? पासी में है, 2 मिनट की दूरी पर। आप कहे तो छोड़ दो रिक्शा में, मीटर से दे देना। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, धन्यवाद। जिस वक्त हमने उसे रास्ता दिखाया था उस वक्त तब तकरीबन रात के 10:40 हो रहे थे। धन्यवाद बबलू जी। योर ऑनर, मानिक राम और बबलू पांडे के कथन से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय फूलचंद जी की हत्या हुई सुकन्या जी वहां थी नहीं, गजरौला बाग रोड पर थी, वहां से 6 किलोमीटर दूरी। तो फिर इनके नाखूनों के निशान फूलचंद के शरीर पर कैसे पाए गए? सॉरी, ये डीएनए रिपोर्ट है मिस्टर पाटा, कोई मजाक नहीं है। शुक्ला जी, अगर आपके सबूत में दम है तो मेरे साक्ष्यों को भी नकारा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन एक लड़की एक समय पर 2 जगह कैसे हो सकती है? उचित प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाएगा। किंतु योर ऑनर, जब तक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जा रहा है, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि मेरे मुवक्किल को हिरासत में ना रखते हुए जामीन पर छोड़ा जाए। माना के पुलिस के पास मिसेस सुकन्या गोयल के खिलाफ काफी गहरे सबूत है, मगर केडी पाठक के दोनों गवाहों की बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अदालत मिसेस सुकन्या गोयल को 10,500 के एवज जमानत देती है। लेकिन तब तक आप गजरौला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जी सर। द कोर्ट इज अर्जोन फॉर टुडे।
नमस्कार पाठक जी, रणधीर सिंह ठेकेदार। लगता है सच्चाई अपनी आंखों से देखे बगैर आपको यकीन नहीं हो रहा। आइए बैठिए। बोल बता। पाठक जी देखिए, ये हो रहा है सत्य का प्रचार जी। हाँ भाई, बोले कुछ? हाँ बॉस, बोल रहा है बिल्कुल पोपट की तरह। ये बोल रहे हैं कौन? साहब, साहब हमें माफ कर दो साहब, हमने अदालत में झूठी गवाही दी थी कि उस रात सुकन्या जी को हमने गजरौला बाग रोड पर देखा था। हम तो उन्हें पहली बार देख रहे हैं। ये झूठ कहने के लिए हमें अच्छे पैसे मिले। तुम लोगों को झूठी गवाही देने के लिए पैसे किसने दिए थे? ड्यूटी कलेक्टर अमरीश गोयल, सुकन्या जी के पति। पाठक जी, नई जगह पर नए नए लोगों पर नया नया विश्वास करना ठीक नहीं है। मैं पहले भी आपको सचेत कर चुका हूँ, ये दोनों पति पत्नी किसी भी जहरीले सांप बिच्छुओं से कम खतरनाक नहीं है। दोनों मिले हुए हैं। सुकन्या पहले दलवी जी के लिए काम करती थी और अब ये अमरीश गोयल के लिए काम कर रही है। इस विश्वकन्या ने अपना मालिक बदला है, अपना चोला नहीं बदला है। क्या पाठक जी, आपने भी इस शिकारी को जंगल में अकेला छोड़ रखा शिकार करने के लिए? समझ लीजिए कि अब किसी की खैर नहीं है। तुम जाओ। हाँ विदाई, बोलो। सुकन्या बेटा, तू इतनी रात को? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मामा जी? सर, इतना बड़ा धोखा, अगर उसे नकली गवाही खरीदनी थी तो फिर उसने आपको क्यों बुलाया? किसी भी वकील को रख लेता। रणधीर सिंह सही है सर, ये अमरीश जितना जमीन के बाहर है उतना ही जमीन के अंदर। शायद तू ठीक कह रहा है, लेकिन यही बात मैं अमरीश के मुंह से सुनना चाहता हूं। फोन काट दिया। सर, मैं सुकन्या के मामा बटुकनाथ के घर आ गया हूँ जी। अब उनसे ही सुकन्या और अमरीश के बारे में पता चल सकेगा। मैं फोन करता हूँ। अटुकनाथ जी, अटुकनाथ जी, अटुकनाथ जी, Thank you.
मैं वैदेही, अमरीश की दोस्त। बटुकनाथ जी को क्या हुआ है? इनको किसने मारा? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? आप यहाँ सुकन्या के मामा के घर क्या कर रही हैं? जी वो मैं बटुकनाथ जी से मिलने आई थी, सुकन्या के बारे में जानकारी लेने के लिए, उसकी असलियत जानने के लिए। आप इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं तो यहाँ अभी आई हूँ, मैंने इन्हें कुछ भी नहीं किया, और इनकी मौत तो जहर से हुई है, मेरे पास कोई जहर ही नहीं है। आपको कैसे पता कि इनकी मौत जहर से हुई है? जी वो बस मैंने ऐसी सोचा कि सुकन्या ने ही जान ली है अपने मामा की, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी थी, और इसलिए सुकन्या ने अपने विष से उनकी जान ले ली। What nonsense. यही सच है। आपको पता है कल रात सुकन्या इनसे यहाँ मिलने आई किस लिए? बदला लेने के लिए। आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि आपके मिस्टर पाठक ने एक विष कन्या का केस अपने हाथ में लिया है? मिस्टर पाठक अगर सुकन्या को बेल नहीं दिलाते तो आज ये आदमी यहाँ जिंदा होता। आप चाहे तो अमरीश से पूछ सकते हैं, वो खुद सुकन्या को यहाँ लेकर आया था। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर। वो जो दोनों विटनेस मैंने अदालत में बुलाए थे सर, वो दोनों विटनेस झूठे थे सर। झूठ और फरेब की अपेक्षा मुझे अपने प्रतिद्वंदियों से होती है। अमरीश मेरे अपने मुवक्किल से नहीं, आपने जो दो झूठे गवाह अदालत में प्रस्तुत किए उनके कथन के आधार पर मैंने आपकी पत्नी को जामीन दिलवाया। अमरीश जी, झूठ के पैरों पर कोई अधिक समय तक खड़ा नहीं हो सकता। मैंने निर्णय लिया है कि आपका केस छोड़कर मुंबई लौट जाऊंगा। नहीं नहीं सर, सर सर प्लीज, अमरीश ने अपनी जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, ना कभी रिश्वत ली, ना कभी घूस दिया। सर इसीलिए तो रणधीर से दुश्मन बन गया है इसका, क्योंकि सर जो कुछ भी हुआ है, अमरीश ने जो कुछ भी किया है सब मेरे कहने पर किया है। मैंने इससे कहा था कि मेरे पास दो ऐसे आदमी हैं जो सुकन्या के पक्ष में अदालत में गवाही दे सकते हैं, जिससे कि सुकन्या बच जाएगी। सर सारा कसूर मेरा है, अमरीश ने कुछ नहीं किया, अमरीश ने तो बस कसूर किसी का भी हो, इस बात का प्रभाव इस केस पर पड़ चुका है। अब अदालत कभी नहीं मानेगी कि सुकन्या घटनास्थल पर नहीं थी। कल रात आप और सुकन्या उनके मामा बटुकनाथ जी के यहाँ से थे? हाँ, उसी बिना में तो फिर एक बार पुलिस ने सुकन्या को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो वहाँ सिर्फ उनसे बात करने के लिए गई थी, किसी का खून वून करने के लिए नहीं। हाँ सर, मारती भी तो कैसे? पुलिस का कहना है कि बटुकनाथ जी की हत्या उन्हीं नाखून से हुई है। बस डीएनए रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मुझे अचंभा नहीं होगा अगर रिपोर्ट सुकन्या से मेल खा गई तो। जो भी हो, ये आप जाने, आपका नया वकील जाने। सर झुमका तो उसी झुमके का जोड़ीदार है जो मुझे भटुकनाथ जी के घर पर मिला था। ये सुकन्या जी का झुमका है? नहीं सर, ये सुकन्या का नहीं, बल्कि ये तो मेरी माँ का झुमका है। पर ये झुमका भटुकनाथ जी के यहाँ क्या कर रहा था? प्रश्न ये नहीं है कि ये झुमका भटुकनाथ जी के यहाँ कैसे पहुंचा, प्रश्न ये है कि आपकी माता जी वहाँ क्या कर रही। माता जी, आप कल बटुकनाथ जी के घर गई थी? नहीं बेटा। आप भी झूठ बोल रही हैं। लगता है मुझे कुछ समय तक और यहां रहकर इस केस से जुड़े रहना पड़ेगा। कुछ और नहीं तो अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि विषकन्या है या नहीं, और अगर वो है तो सुकन्या है या कोई और। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।